नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। दोस्तों, जैसे हम किसी भी टेक्स्ट में, कंटेंट में, पैराग्राफ में अगर हम बुलेट्स या नंबरिंग के माध्यम से लिस्ट बनाते हैं तो हम उसमें और डिटेलिंग कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे आपने बुलेट्स आपने ले रखे हैं किसी कंटेंट के अंदर, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है, हमने पहले से बुलेट्स ले रखे हैं। अगर मुझे इसके अंदर कुछ और कंटेंट लेने हैं, जैसे मैं बेसिक हम कोर्स कराते हैं, बेसिक डीटीपी टैली हार्डवेयर कोर्स कराते हैं, लेकिन बेसिक के अंदर कुछ और अंदर कंटेंट कराते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे नीचे एंटरप्राइज करके मैंने लिखा, यहाँ पर हम विंडो कराते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने विंडोज़, ठीक है। तो हम इसकी में टैब बटन दबाएंगे ताकि ये बेसिक के अंदर हम विंडो कराते हैं, तो उसका देखो बुलेट चेंज हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया हम इसमें एमएस ऑफिस भी कराते हैं, लेकिन एमएस ऑफिस में हम क्या कराते हैं, उसके लिए हम एक टैब और आगे दबाएंगे, एक टैब और दबाएंगे यहाँ पे के एमएस ऑफिस में। हमने दबा दिया यहाँ पर वर्ड दबाते हैं, हम वर्ड कराते हैं, पावर पॉइंट कराते हैं, हम इसमें एक्सेल कराते हैं। ऐसे ही हम यहाँ फिर चले गए कि हमें डीटीपी में हम क्या कराते हैं, हम कोरल ड्रॉ कराते हैं, ठीक है, कोरल ड्रॉ। तो इसके लिए हम पहले हम कोरल के आगे टैब बटन दबाएंगे, ये कोरल में, ये डीटीपी में हम कोरल ड्रॉ कराते हैं, फोटोशॉप कराते हैं हम, ठीक है, हिंदी टाइपिंग कराते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम बुलेट्स के अंदर मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ऐसे अगर आप चाहते हैं नंबरिंग के अंदर, अगर आप नंबरिंग के अंदर आप मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमने इस लिस्ट को सेलेक्ट किया और कुछ नहीं करना, मैं बस ये यहाँ से होता है, देखो इसमें वैसे ये ऑप्शन ये रहा कि होम रिबन बार में पैराग्राफ के अंदर ये यहाँ पर होता है, ये सब कुछ रेडीमेड सेटिंग होती है, सब कुछ आपको कुछ नहीं करना सीधे, जस्ट क्या होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे बेसिक के अंदर हम कराते हैं विंडो, विंडोज़ के लिए हम यहाँ पर टैब बटन दबाए, हमने आगे लेके गए अपने कर्सर को, टैब बटन दबा दिया कि ये बेसिक के अंदर हम विंडो कराते हैं। हमने फिर एंटरप्राइज किया, यहाँ पे हमने एमएस ऑफिस कराते हैं, हम एमएस ऑफिस के अंदर हम क्या कराते हैं, इसमें एक टैब बटन आगे बढ़ा देंगे, हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो एमएस ऑफिस के अंदर हम कराते हैं वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये हम कराते हैं। ऐसे हम डीटीपी की बात करें तो डीटीपी के अंदर हम एक बटन टैब बटन दबाएंगे, हम कोरल ड्रॉ कराते हैं, ठीक है, फोटोशॉप कराते हैं, हम हिंदी टाइपिंग कराते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ये मल्टी लेवल लिस्ट जो बनाते हैं इसकी सेटिंग कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने इसे सेलेक्ट भी करते हैं, अंदर भी चले गए, तो यहाँ पर हम किस तरीके से हम चाहिए मल्टी लेवल लिस्ट, तो ये एक का एक 1.1 आए, 1.12 आए और 1.2.1, इस तरीके की पूरी सेटिंग है। तो वो अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ जाकर कर सकते हैं, ठीक है। एक का अगर एक के नीचे उसका हेडिंग आए, फिर सब हेडिंग आए, सब हेडिंग की फिर हेडिंग आ जाए, तो ये इस तरीके से अलग अलग कराना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर वो सीरीज़ में ही नंबर चलते रहें तो यहाँ से ले सकते हैं, बुलेट्स के लिए ये रे और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर इसकी सेटिंग्स आप देख सकते हैं अपने आप ही। कोई नई लिस्ट डिफाइन करना चाहते हैं तो इसमें से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहीं से बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए दोस्तों, बाय दोस्तों।